गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं एविल नन। तो इधर मैं प्ले कर देता हूँ ताकि, और आज हम खेलने वाले हैं नॉर्मल मोड में, मतलब लेकिन मेरा मन है नॉर्मल मोड में मैं खेलने वाला हूँ एविल नन। पिछली बार मैंने खेला था इजी मोड में और आज अब हम खेलेंगे नॉर्मल मोड में। तो चलो इंट्रो देख सकते हो आप लोग, पिछली बार भी देखा होगा आपने, तो इंट्रो का कोई नहीं, आप देख सकते हो, देख लो। तो उससे पहले अभी तक इस वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर जो बंदे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइज। तो यहाँ पर अब हमें नीचे उतारा जाता है और उसके बाद नन आके ठोक देती है। तो इंट्रो तो आपको पता ही है, उसका कोई बताना नहीं सकते हम लोग, मतलब आपको पता ही है, कोई बात नहीं। और आज हम करने वाले हैं कार एस्केप। तो चलो 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 भाई लोग, मुझे ठोक कर आज़ाद करने का मौका मिल चुका है। तो चलो डे वन स्टार्ट हो चुका है हमारा, और डे वन में हम मचाएंगे तबाही। तो चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि, तो चलो बाहर चलता हूँ मैं और इसको खोला और इसके अंदर देख लेते हैं ड्रॉवर में। तो इधर कोई भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आगे क्या है, तो चलो चलो ऊपर चलता हूँ, इविल नन अभी तक नहीं। तो चलो फटाफट से ऊपर चलता हूँ और ऊपर का ये जो रूम है खोल देता हूँ। साले ने मुझे ठोक दिया है, ये नन बहुत डेंजर है और आज हम खेलने वाले हैं नॉर्मल मोड में, इसलिए बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। तो डे टू स्टार्ट हो चुका है, चलो लेट्स गो, बाहर चलते हैं और उसके बाद तबाही मचा देते हैं। तो चलो अगर मैं मरा तो मेरा सिर्फ लास्ट डे बचेगा और उसके बाद मैं कार एस्केप करना नामुमकिन हो सकता है मेरे लिए। तो चलो ऊपर चलता हुआ और एक बार, तो चलो 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 धीरे से, और सामने नन है गाइस, उसने मुझे देख लिया। तो चलो 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 भागो भाई, भागो भागो भागो, इधर से मैं भाग लेता हूँ और इधर जाके छुपता हूँ। साली नन आ जाती है, बहुत गंदी नन है, तो इधर इस खोपचे में छुप लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं छुप रहा हूँ आप देख सकते हो। चलो चलो बाहर भी आ चुका हूँ क्योंकि उसका अब मुझे साउंड नहीं आ रहा है। तो चलो इधर ही चाहिए नन, मैं फटाफट से ऊपर जाके जल्दी जल्दी ये कौन सा रूम है देख लेते सबसे पहले, लेकिन कोई बात नहीं, चलो फटाफट से चलता हूँ नहीं तो नन आ जाएगी गाइज। तो किचन में आ चुका हूँ मैं आप देख सकते हो, और इधर एक काव बार तो मिल चुका है। तो चलो हमें वायर चाहिए, वो ले लेते हैं केबल, तो इस डब्बे में। तो चलो केबल मिल चुकी है हमें, तो केबल का यूज़ आपको पता है किधर करना है। तो चलो 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 भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है इधर इविल नन ना आ जाए। तो यहाँ पर गेट बंद कर दिया है मैंने डोर, तो चलो अंदर जाकर देखता हूँ किधर क्या क्या है। तो सबसे पहले इधर से काव बार लिया मैंने, और उसके बाद इस ड्रॉवर को खोल देते हैं डोर को। तो ओके, इस ड्रॉवर के अंदर इसमें भी कुछ नहीं, अंदर भी कुछ नहीं होगा। तो चलो बाहर ही चलते हैं हम लोग, और नन ना आ जाए गाइस, अगर नन आ जाए तो हमारा काम खलास हो सकता है। तो चलो छुप छुप के मैं खेल रहा हूँ। तो गाइज इस डब्बे के अंदर भी कुछ नहीं मिला, तो चलो इस डब्बे में ढूंढ लेते हैं, चारों डब्बे में भी कुछ भी नहीं मिला। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सामने नन आ जाए गाइज, नन बहुत खतरनाक है। तो चलो चलो नीचे चलता हूँ मैं, और मुझे बहुत डर लग रहा है गाइज, सच में, और सामने है नन। अगर उसका, सॉरी गाइज, अगर उसके पास गया होता एक सेकेंड से भी तो मुझे शायद से वो मार देती। तो चलो इधर से भाग लेता हूँ, लेकिन सामने नन। तो चलो चलो इधर से ही भाग लेते हैं हम लोग, और इधर इधर नीचे से आ गई साली, मुझे पता नहीं था दोस्तों, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि वो नीचे बैठकर भी आ जाती है। तो कोई बात नहीं, चलो लास्ट डे बचा है हमारा, अगर इसमें मैं मर गया तो समझो आप लोग कि मेरी कहानी इधर ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलो लास्ट डे है हमारा, तो चलो आगे की ओर बढ़ लेते हैं, मैं भागता हूँ इधर से, और भाई मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। तो चलो फटाफट से इस गेट को ऑन कर लेता हूँ, ताकि हमने ऊपर वायर लगा दी थी केबल। तो चलो 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 इसके अंदर येलो की मिल जाए हमें शायद से। तो गाइस यहाँ पर मुझे मिल चुकी है येलो की, तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है गाइस। तो चलो मैं जल्दी जल्दी इधर का जो हमारा काऊ बार है ऊपर का, वो लेकर नीचे आ जाता हूँ, और उसके बाद मैं करूँगा, मतलब काव बार लेकर जाऊँगा नीचे की साइड, आपको दिखाता हूँ, टॉयलेट रूम के पास जाऊँगा। तो चलो मैं सबसे पहले इधर से काव बार लेता हूँ, आपको पता है मेरा काव बार इधर ही चाहिए।
आप देख सकते हो कि नीचे बैठा मैंने काऊ बार लिया। तो चलो 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 भागते हम लोग। गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस, तो यहाँ पर बहुत मेरी खतरनाक सिचुएशन हो गई है। तो चलो साउंड कर लेते ताकि नन ऊपर आ जाए। तो चलो इधर से साउंड ऊपर किया है मैंने और नन ऊपर आती होगी। तो चलो इधर से मैं शॉर्टकट लेकर नीचे कूदा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस रूम में चले जाते हैं, कौन सा टॉयलेट रूम है। तो चलो 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 अंदर की साइड आ चुका हूँ और इधर है हमारा काउबार निकालने का, मतलब काउबार यूज़ करने का, क्या बोलते हैं, जो लकड़ी है। इधर हमें नील निकाल कर काउबार का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ पी कर लिया है। तो काउबार इधर मैंने फेंका और थोड़ा सा साउंड हो चुका है। कोई बात नहीं, इधर तक आ जाएगी नील और उसके बाद भाग जाएगी। तो चलो इधर से ही देख लेते हम लोग। और बोट स्केप भी हम करने वाले हैं लेकिन थोड़ी दिनों के बाद। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही होगा, आज के लिए इतना मतलब आज के लिए कार स्केप होगा। और सामने है इविल नन की माँ, कार लेकर आ चुकी है लेकिन मुझे जाकर एलो की लेकर आना है, इसलिए मैं रुका हूँ और इधर ही छुपता हूँ, 2 मिनट के बाद मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर गाइस इविल नन की माँ की कार चली गई है। तो चलो चलो, ओ भाई सामने आप देख सकते हो कि इविल नन पड़ी है। ओ भाई इसको क्या हुआ? लगता है गाइस, मुझे लगता है शायद से इसके ऊपर से कार चली होगी। तो चलो इसको देखने में मैं नहीं बैठूंगा, ताकि अगर जिंदा हो गई तो शायद मुझे ठोक सकती है। तो चलो चलो फटाफट से, लेकिन हमारा काम आसान हो चुका है। चलो मर चुकी है इविल नन, मतलब थोड़ी देर के लिए मरी होगी, कोई बात नहीं। चलो फटाफट से मैं जाकर क्या करूँगा, जो येलो की है उसको लेकर मैं इधर से आ जाऊँगा। तो येलो की आपको तो पता है मैंने ढूंढ निकाली है और इधर से भागता हूँ। मुझे लगता है शायद से इविल नन की माँ है जो कार लेकर आ जाती है, उसने इविल नन के ऊपर कार चलाई होगी और उसके बाद इविल नन का जो हथौड़ा है आपने देखा होगा कितना खतरनाक है और बढ़िया भी दिख रहा है। तो चलो इधर मैंने ली येलो की, तो इधर से मैं भाग लेता हूँ फटाफट से। और उसके बाद क्या बोलते हैं, येलो की से हम क्या करेंगे, जो पेंट लेना पड़ता है हमें उस लॉकर से। तो इधर थोड़ी सी चिल्लर है मैंने ले ली, कॉइन्स लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप देख सकते हो मेरे ऊपर 50-75 कॉइन्स हो चुके हैं, सॉरी गाइस 575 कॉइन्स हो चुके हैं। तो चलो मैं नीचे चलता हूँ, अंग्रेज़ी थोड़ी ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम हिंदी है। तो चलो 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 बाहर चलता हूँ मैं, और इधर से मैं लूँगा मतलब जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर मतलब एक छोटा सा डिब्बा है। तो इधर सबसे पहले गाइस देख लेता हूँ, लेकिन इविल नन अगर सामने आ जाए तो हम मर सकते हैं। तो डर डर के ऊपर मैं आ रहा हूँ, देख सकते हो तो मैदान साफ है। तो चलो ऊपर, तो यहाँ पर गाइस अभी तक मैं डर रहा हूँ। तो चलो मैदान साफ है हमारा, तो इधर देख लेता हूँ, तो इधर भी कुछ नहीं। तो चलो चलो आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दोस्तों। तो मैं मैदान साफ है, चौका मार देता हूँ। तो चलो चौका नहीं, छक्का मार दिया मैंने। तो इधर से मैंने खोल दिया ताला, अब देख सकते हो, रुको, ताला खोल दिया। तो चलो शोर हो चुका है, तो चलो फटाफट से ये डोर खुला है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ ताकि इविल नन भाग के आ सकती है गाइज। तो इधर मैं जाकर इधर ही छुपता हूँ और उसके बाद इविल नन की माँ का वेट करूँगा, ताकि वो कार लेकर आ जाती है गाइज, और उसके अंदर हमें पेंट डालना है और उसके बाद उस छोटे से डब्बे में बैठना है। तो इधर ही वेट कर लेते हैं, आप भी वेट करो गाइज। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, बहुत वेट करने के बाद फाइनली आ चुकी है इविल नन की माँ गड्डी लेकर। तो चलो उस गड्डी में हमें बैठना है और स्कूल से आज़ाद होना है। तो चलो धीरे धीरे से मैं आगे बढ़ता हूँ और वो नीचे उतर चुकी है, तो धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे और जब वो सोने के लिए बैठेंगे चेयर पर, उसके बाद हम जाकर पेंट डालेंगे और उसके बाद उधर ही छुपेंगे। आपको दिखाता हूँ किधर छुपना है और उसके बाद मैं क्या करूँगा। छुपने के बाद दोबारा से वो सोने चलती है, तो इधर इविल नन का चश्मा पड़ा है, उसमें कोई लेना देना नहीं है हमसे। तो चलो आगे बढ़ते हम लोग, और रुको मैं बताता हूँ सबसे पहले वो सोने बैठ जाए। तो चलो सोने बैठ चुकी है, तो चलो आगे बढ़ते हम लोग। और इधर मैंने पेंट डाल देता हूँ, तो इधर गाइस मैंने डाल दिया है पेंट, तो इधर ही मैं छुप लेता हूँ। और उसके बाद जब वो सोकर उठती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे,
वो जो कपड़ा है अंदर डालती है, और उसके बाद दोबारा से सोने बैठ जाती है। और तब हमें क्या करना है, उस डब्बे में जाकर बैठना है। तो आप देख सकते हो वो जग चुकी है, तो आपको दिखाता हूँ, रुको। मैं आप देख सकते हो कि वो जो लॉन्ड्री के कपड़े है, जो प्रेस किए हुए कपड़े, तो उसको क्या करती है, उस गड्डी में डाल देती है। और उसके बाद क्या करती है, सोने बैठती है दोबारा से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे और उस गड्डी में बैठ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका काम लगातार हो रहा है, मुझे लगता है और एक बार आ जाएगी और उसके बाद सोने बैठ जाएगी। तो रुको मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आ जा नन, तो नन आ चुकी है गाइस, देख सकते हो आप लोग। और मुझे लगता है अब शायद से आखिरी होगा उसका, मतलब आखिरी बार आ जाएगी। तो यहाँ पर नहीं, अभी तक गाइस नहीं हुआ। तो चलो और एक बार मुझे लगता है वेट करना पड़ेगा। तो चल जा नन, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, बुड्ढी बुड्ढी का काम हो चुका है गाइस, और ये दोबारा से सोने चली गई है। तो आपको दिखाता हूँ ये कैसी सो रही, देख सकते हो आप लोग। तो चलो चलो चलो, गड्ढे में मैं बैठ चुका हूँ। अब क्या करेगी ये जो नन है, सीधा आके डोर ऑफ कर लेगी, और उसके बाद हम हो जाएंगे स्कूल से आज़ाद। तो ये नॉर्मल मोड इस्केप था, उसके बाद आ जाएगा हार्ड मोड इस्केप कार का, और उसके बाद बोट का हार्ड मोड इस्केप। बोट से इधर से भाग जाते हैं हम लोग, आपको पता नहीं होगा तो मैं एक बार वीडियो डाल देता हूँ। और आज हमने कर दिया है नॉर्मल मोड में कार या वैन इस्केप। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो। चैनल पर जो बंदे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इविल नन की तरफ से और मेरी तरफ से बाय बाय।